विजय गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लवंग लत्ती का, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। इसमें डालते हैं आधा किलो खवा या मावा, मावा को हमने 2 मिनट भून लिया था। अभी इसमें डालते हैं पीठी शक्कर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मेल्ट हो गई है पीठी शक्कर इसमें। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। आउटर कवर बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, इसमें डालेंगे नमक और घी। शुद्ध घी लिया है 2-3 चम्मच। आप शुद्ध घी डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लीजिए। इस तरह से हमारा आटा गूंथ के इस तरह से इसे दबा के इसे गूंथना है। हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह, थोड़ा सा हाथ में घी लेके इसे लगा दो और इसे 15-20 मिनट ढक के रख दो। हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाल के इसका पाक बना लेते हैं। 1 तारी पाक बनाना है। अभी हमारा पाक ये रेडी है। इसमें डालते हैं इलायची पाउडर और गैस में बंद करती हूँ, इसे ठंडा होने देते हैं। अब आटे की इस तरह हमारा आटा हो जाना चाहिए। अभी एक लोई लेके सूखे आटे में डाल के इसे बेल लेते हैं। अच्छे से बेलना है, पतला पतला, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इस तरह से अभी इसमें डालते हैं स्टफिंग। ये हमने मावा का स्टफिंग किया था, डाल देते हैं। इसमें थोड़ा स्क्वायर शेप दे देते हैं, थोड़ा बीच में ड्राई फ्रूट्स, आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और बंद कर दीजिए। इस तरह से हम इसे रख देंगे और इसमें साइड में पानी लगा देंगे। इसे उल्टा कर देंगे, इसे में थोड़ा पानी डाल देंगे। देखो कितना मस्त बढ़िया हो गया है ये। और इसमें एक लवंग लगा देंगे इस तरह से। इसे भी हम एक गीला कपड़ा लेके इसे रख देंगे। 1-5-6 हमें बना लेती हूँ और इसे ढक के रख देंगे। इस तरह से हमारी लवंग लत्ती का तैयार है। यहाँ पे कढ़ाई में हमने घी लिया है, इसे गरम करते हैं। एक एक करके लवंग लत्ती का डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है। देखिए कितने मस्त हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं।
हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।